और इन दिनों देश के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। असम से लेकर गुजरात तक बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। कई नदियों पर बने पुल टूट गए हैं और लोग अपने घरों में फंसे हैं। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसके अलावा गुजरात में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राजकोट, मोरबी और कच्छ के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उधर शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। साथ ही सामना में लिखा गया कि रामनाथ कोविंद सभ्य और सीधे हैं, इसलिए बार बार उनकी जाति की बात को उठाना ठीक नहीं है। वो योग्य है और तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर जल्द ही राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं। एक काबिल व्यक्ति के तौर पर वो डॉक्टर अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति की तरह ही इस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएंगे। मीरा कुमार पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा गया कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार को चुनाव में उतारना महज औपचारिकता है और उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। तो राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होगा। राष्ट्रपति पद के लिए आज सुबह 10 बजे से संसद समेत राज्य की विधानसभा में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सभी राज्यों से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति चुनावों को संकुचित मानसिकता और सांप्रदायिक सोच के खिलाफ लड़ाई बताया है। आम आदमी पार्टी के फैसले से अलग पंजाब से विधायक एच एस फुलका ने कांग्रेस को 1984 के दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मीरा कुमार को वोट देने से इनकार कर दिया है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें कांग्रेस ने चीन और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लिया जाएगा। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने की जांच करने के लिए आज एनआईए की टीम लखनऊ पहुंच रही है। मिलिट्री कोर्ट से अपील खारिज करने के बाद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका पर अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अंतिम फैसला लेंगे। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिची को हराकर 8 बार विंबलडन जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है।